हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइस कि आप अपने फ़ोन में अपने आप अपने फ़ोन में अपने डाउनलोड ऐप्स कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो में सिंपल स्टेप में आपको उन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपने डाउनलोड ऐप्स कर सकते हैं। तो ये वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें अपने फ़ोन की सेटिंग को ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है गाइस ऐप्स, तो हमें ऐप्स पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो आपको नीचे आ रहे हैं तो नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऐप क्लोनर, तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम, पेटीएम, मैसेंजर, व्हाट्सअप, तो जो भी आप अपने फ़ोन में अपने डेवलप करना चाहते हैं, जैसे कि आप अपने फ़ोन में अपने मैसेज डेवलप करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे। अगर आप अपने फ़ोन में अपना व्हाट्सअप डेवलप करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन को भी ऑन कर देना है। तो गाइस देखिए, आपको चेक करा देते हैं जो हमने अपने फ़ोन में अपने डेवलप किए हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये देखिए, हमने अपने व्हाट्सअप, ये है हमारा पुराना, न्यू वाला हमारा चिन्ह लग के आ जाता है व्हाट्सअप क्लोनर। तो हम इस तरीके से आप डेवलप कर सकते हैं। अगर हमने एक एप्लीकेशन अपना मैसेज करा था तो देखिए हमारा जो पुराना मैसेंजर है वो ये, न्यू वाला हमारा ये। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपने डेवलप कर सकते हैं और अपने अपने एप्लीकेशनों को अपनी अलग अलग आईडी से चला सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।